मित्रों, ये गुच्छी मशरूम है। इसे मोरेन या स्पंज मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। यह उच्च एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये पाया जाता है। ये सामान्यतः मार्च अप्रैल माह में निकलते हैं, लेकिन जो थोड़ा कम हाइट वाले स्थानों में ये सितंबर के टाइम में भी निकलता है, लेकिन हमें इस बार ये 21 अक्टूबर 2021 को मिले हैं। काफ़ी लेट मिले हैं ये। इनका मिलना काफ़ी रेयर होता है, लिहाजा इनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। जो मार्केट वैल्यू है इसकी, वो करीब 20,000 से लेकर 30,000 रुपये प्रति किलो की होती है। लेकिन जो 20,000 से 30,000 रुपये किलो गुच्छी मशरूम मिलता है, वो ड्राइड सूखी अवस्था वाला मिलता है, क्योंकि इसको कच्ची अवस्था में इसको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, एक दो दिन में ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको सुखा करके ड्राइड फॉर्म में जो है लंबे समय तक रख सकते हैं। अब जबकि खुशकिस्मती से मिल ही गए, तो मैंने सोचा आज इसकी सब्जी बना ली जाए। सबसे पहले साफ पानी से इसे 2-3 बार अच्छी प्रकार से धो लेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट लिए हैं, 2 मिर्चें भी बारीक काट ली हैं, लहसुन की कुछ कलियां काट ली हैं और अदरक को कूट लिया है। जो बड़े साइज के मशरूम हैं, उन्हें 2 या 3 पीस में काट के रख दिया है। एक बड़े साइज के टमाटर को बारीक काट के रख दिया है। ओवन में कढ़ाई चढ़ा लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म होने पर उसे बारीक कटी हुई मिर्च में डाल देंगे। इसके उपरांत प्याज और ये अदरक का पेस्ट और तथा लहसुन, उसको इसमें डाल लेंगे और उनको ब्राउन होने पर चलाते रहेंगे। करीब 3 मिनट में प्याज ब्राउन हो गए हैं। इसमें सबसे पहले मिर्च पाउडर डालेंगे और मिर्च पाउडर डाल करके इसको चला लेंगे। ऐसा करने से जो है सब्जी में रेड कलर आ जाएगा, थोड़ा सा रेडनेस आ जाएगी। इसके उपरांत हल्दी, फिर धनिया, तथा आवश्यकता अनुसार नमक डाल लेंगे और इसको चलाते रहेंगे। करीब 2 मिनट तक मसालों को पकने देंगे। इसके उपरांत इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को अच्छी प्रकार से मसाला मिक्स कर लेंगे और इसे कुछ देर पकने के लिए रख देंगे। करीब 3 से 4 मिनट में टमाटर गल जाएंगे और इनको मसल लेंगे, मिर्ची की सहायता से मसल लेंगे। अब इसमें मशरूम मिला लेंगे। मशरूम को डालने से पहले मैंने उसको निचोड़ लिया था, क्योंकि उसमें कुछ पानी का अंश था, तो उसको निचोड़ करके वो पानी निकाल लिया और उसके उपरांत उसको यहाँ मसाले के साथ अच्छे प्रकार से मिक्स कर लेंगे। देखिए, गुच्छी मशरूम और मसाले अच्छी प्रकार से मिक्सअप हो गए हैं। अब इसको जो है हल्की आंच में 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। ढक्कन लगा दिया। करीब 10 मिनट में मशरूम अच्छी प्रकार से पक जाएंगे। अब इस प्रकार से सब्जी लगभग पक करके तैयार है, लेकिन मशरूम की मात्रा कम थी, इसलिए मुझे इसमें पानी मिला करके थोड़ा सूप बनाना पड़ रहा है। आवश्यकता अनुसार पानी मिला करके इसको तेज आंच में पका लेंगे ताकि सूप गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, करीब 2-3 मिनट में सूप पर्याप्त गाढ़ा हो गया और ये कंप्लीट
मशरूम की सब्जी रेडी हो चुकी है। इस प्रकार से लजीज और स्वादिष्ट गुच्छी मशरूम की सब्जी तैयार है। कुछ देर रखे रहने पर देखिए सब्जी का कलर क्या शानदार हो गया है। तो आपको भी मौका मिले तो आप लोग भी इस प्रकार से स्वादिष्ट और लजीज सब्जी बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।